Morning class, I am your assistant teacher of class 7th. Today I'll explain chapter number 4 of geography, fresh and saline water, on page number 23, open page 23. We live on earth, हम कहाँ रहते हैं? Earth पे रहते हैं, जो कि क्या कहा जाता है? Blue planet कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उसका earth surface है, वो 71% किससे cover up है? Water से. वाटर से मतलब है क्या? ओशियंस हैं, उसमें लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं. ओशियन एंड सी वाटर इज सलाइनेट्स और सॉल्टी. जो ओशियन और सी वाटर होता है वो क्या होता है? सलाइन मतलब नमकीन होता है, सो सलाइन या फिर सॉल्टी. सलाइन वाटर हम इसमें सलाइन वाटर को हम ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ मैराइन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्या रहते हैं? सलाइन वाटर में ही रहते हैं. सॉइल टेस्ट प्रेजेंटेड फ्रॉम सी वाटर इन द कोस्टल रीजन. सॉल्ट कहाँ से बनता है? सॉल्ट उन्हीं सी बीचेस से बनता है, क्योंकि उस बीचेस में क्या है? ओशियंस में सॉल्ट प्रेजेंट है, तो कोस्टल एरियाज पे आसानी से मिल जाता है. सीज एंड ओशियंस इवन थ्रू देयर वाटर आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग हेल्प इन विंटर कनेक्टिंग द कॉन्टिनेंट्स नेविगेशन. जहाँ यहाँ तक कि सीज और ओशियन का जो पानी है वो पीने तक के लिए सही नहीं है, लेकिन वो नेविगेशन मतलब कुछ लोग बोट से ट्रैवल करते हैं तो वो कंपास ले जाते हैं, मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये होता है आपका नेविगेशन, डायरेक्शन दिखाना. तो लेकिन हम वहाँ पे सीज और ओशियन में हम नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. ज़्यादातर सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट. और एक कॉमन सॉल्ट मतलब जो कि हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड. ये क्या है? कॉमन सॉल्ट का केमिकल रिएक्शन है, NaCl. ये सोडियम आपका सोडियम क्लोराइड. अभी आप आगे पढ़ेंगे साइंस वगैरह में. वाटर वेस्ट ट्रांसपोर्ट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोर्ट्स लाइक मिनरल ओर्स. जो वाटर है वो क्या है? बहुत लार्ज अमाउंट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, लार्ज अमाउंट में हम एक जगह से दूसरी जगह क्रूड ऑयल वगैरह, गुड्स वगैरह हम एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. ओशियंस ऑल्सो हैव टू रेगुलेट एक्सट्रीम टेम्परेचर. ओशियंस की वजह से ही कुछ टेम्परेचर गर्म रहता है, ठंडा हो जाता है. तो किसकी वजह से? ओशियंस की वजह से. इन कोस्टल एरियाज दे आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर्स. जो वाटर वेपर है वो कैसे आते हैं? ओशियंस के थ्रू ही आते हैं. किसी की वहाँ पर जैसा आपने सुना होगा रिवर रेन होती है वहाँ पर ज़्यादातर, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ओशियंस सीज वगैरह हैं. वाटर साइकिल क्या होता है? द सन्स हीट कॉजेज एवेपरेशन ऑफ वाटर वेपर. जो सन्स हीट है वो क्या करता है? सन की हीट है वो वेपर करती है, मतलब हम पसीने आते हैं ना. व्हेन द वेपर जी जो वाटर वेपर है जब ठंडे हो जाते हैं, इट कंडेंसेंसेज एंड फॉर्म. जब वो ठंडे आते हैं तब वो आसमान में क्या बना देते हैं? क्लाउड बना देते हैं. वहाँ से जब ऐसी वाटर वेपर जाते जाते हैं, जब क्लाउड ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब ओवरवेट हो जाता है, तो वो किसके फॉर्म में आ जाता है? वो आ जाता है रेन की फॉर्म में हमारे ऊपर. जो वाटर साइकिल है उसका कोई बिगनिंग मतलब कोई शुरुआत नहीं होती, कोई एंड नहीं होता. उसकी सिर्फ दो फोर्सेस से ड्राइवन है वो. फर्स्ट इज हीट फ्रॉम द सन विच इवेपोरेट्स वाटर. सेकेंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ विच ब्रिंग्स द वाटर वेपर बैक टू द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन एंड मूव्स इट इन द स्ट्रीम्स एंड अंडरग्राउंड फ्लो. पहला क्या है? जो कि जो हीट हमें सन से मिल रही है वो इवेपोरेट करती है वाटर को. और दूसरी है जो ग्रेविटेशनल पुल हमें अर्थ से मिल रहा है, जब हम वाटर वेपर फिर से अर्थ को भेज देते हैं. ये क्या है? पूरी वाटर साइकिल है कि पूरा पहले ये सब होगा, पहले ट्रांसपिरेशन, फिर क्लाउड्स वगैरह ऐसे बनते रहते हैं. ये सब क्या है? अपने आप ही साइकिल चलती रहती है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर बॉडीज. अब कुछ वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है. जो वास्ट और लार्ज वाटर बॉडीज हैं वो क्या हैं? उन्हें हम कहते हैं ओशियन. तो अब हम एक एक करके ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला है आपका पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और डीपेस्ट मतलब गहरा ओशियन है. ये किस शेप में? ट्रायंगुलर शेप में है. और इसकी एवरेज डेप्थ होगी, मतलब एवरेज डेप्थ से मतलब जो इसके अंदर का एरिया है वो होगा 74,000 meters. यहाँ पे एक मरीना बीच है इसके वेस्टर्न साइड में. और जो वो भी एक क्या है? मरीना ट्रेंच या फिर मरीना बीच, वो भी एक डीपेस्ट पॉइंट है ऑफ द अर्थ. मतलब आप डूब जाओगे. पैसिफिक ओशन किससे बाउंडेड है? एशिया और अफ्रीका से वेस्ट की तरफ, साउथ से एंटार्क्टिका की तरफ, एंड नॉर्थ से ये रहा आपका पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन क्या है? छोटा ओशियन है, वर्ल्ड मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है. पहला तो पैसिफिक हो गया, सेकेंड हो गया अटलांटिक ओशियन. ये कब बना? ये बना एटलास माउंटेन्स के बाद, जो कि कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको में है.
जो ये जो अटलांटिक ओशन कब बना, 75 मिलियन ईयर्स में बना, मतलब लोगों को समझ आया। और न्यूजीलैंड जो ब्रिटिश आइजल्स है वो यहाँ के पार्ट है, मतलब कुछ जगह किससे न्यूजीलैंड वगैरह से कवर है। इसकी डेप्थ क्या है, 3330 इस मीटर इसकी डेप्थ है। इसमें काफ़ी बर्ड्स फिश अलग अलग तरीके की फिशेस वगैरह रहती हैं। नाउ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का नाम इंडियन, ये क्या है, ये अटलांटिक और अटलांटिक ओशन से भी ज़्यादा छोटा है इंडियन ओशियन, लेकिन आर्कटिक ओशन से बड़ा है। अगर हम अलग से देखें तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है वो, ये तीनों ही अलग अलग हमारे हैं। इंडियन ओशियन किस किस से बाउंडेड है, अफ्रीका से बाउंडेड है, ईस्ट की साइड में इंडोनेशिया से। और इंडिया, ये इसका नाम इंडियन ओशियन कैसे रखा गया, क्योंकि ये क्या है, इंडिया के पास है, इंडिया के बिल्कुल नीचे है। ये हमारा, ये रहा इंडिया, इसके बिल्कुल नीचे यहीं आके इसका इंडियन ओशियन नेम लिख रख दिया। एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे वेस्को डा गामा, जिसने क्या क्या डिस्कवर किया, सी रूट डिस्कवर किया अराउंड अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया का सी रूट। जैसे यहाँ पे ये होगा आपका अफ्रीका, ये आपका इंडिया है, तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्या किया, सी रूट डिस्कवर किया, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी डेप्थ कितनी होगी, 8047 मीटर। ये है आपके इंडियन ओशियन तक। आर्कटिक ओशियन जो जो है आपका सबसे ज़्यादा छोटा ओशियन है पूरे वर्ल्ड में। ये इसके किससे सराउंड है, नॉर्थ में यूरोप और एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है। इसकी थिकनेस कितनी है, 2 to 3 मीटर। आइसबर्ग्स मतलब जब आइस जम जाती है तो आइस के पहाड़ बना देती है इसके अंदर, उससे कहते हैं आइसबर्ग। मतलब आधा पहाड़ ऊपर होता है थोड़ा सा और उसका बहुत लार्ज एरिया क्या होता है, नीचे होता है। मैनी रिवर्स फ्लो टू, जो आर्कटिक ओशन से काफ़ी रिवर्स फ्लो होकर जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। तो हमने आर्कटिक ओशन तक पढ़ लिया इस वीडियो में। दिस इज द पार्ट ए ऑफ द एक्सप्लेनेशन, इन द पार्ट बी आई एक्सप्लेन फ्रॉम ओशियन करेंट। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।